कोरोना से लड़ने के लिए यूपी की योगी सरकार के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई। दरअसल योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई रणनीति के सहारे कोरोना नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश सफलता के नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, जिसके चलते कोरोना टेस्टिंग के बाद यूपी अब देश में सर्वाधिक कोविड वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश भी बन गया है। यूपी ने देश में सबसे अधिक संख्या में कोविड जांच करने के बाद वैक्सीनेशन के मामले में 4,63,681 टीके लगाकर पहला नंबर हासिल कर लिया है। एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांवों को मिलाकर नया नोएडा बसाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है, वहीं ग्रेटर नोएडा फेज 2 दादरी एरिया के गांवों के किसान 11 दिनों से अथॉरिटी गेट पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 1208 एकड़ में बसाए जाने वाले लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब में जमीन का नए जमीन अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। 11 दिनों में मांगे नहीं माने जाने से नाराज किसानों ने अथॉरिटी और प्रशासन को 2 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। 3 फरवरी को किसान 50 गांवों की महापंचायत कर बड़ा आंदोलन तक करने के लिए गांव-गांव जन जागरण अभियान चला रहे हैं। यूपी की स्मार्ट सिटी नोएडा में रहना लोग शान की बात समझते हैं। इस स्मार्ट सिटी के साथ लोगों को बीमारियों का तोहफा जो मिल रहा है वह उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कैंसर भी इनमें से एक है। हाल ये है कि जिले में इस समय कैंसर के 4,000 मरीज हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों में लेड और केमिकल की ज्यादा मात्रा व्यक्ति को कैंसर की ओर तुरंत धकेलती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक हिंडन और यमुना नदी के किनारे उग रही सब्जियों की सैंपल की जांच में मानक से 50-60% ज्यादा लेड और कैडियम की मात्रा पाई जा रही है। इनमें बहुत सी सब्जियों की सप्लाई जिलों में होती है। उत्तर प्रदेश में जिनके कंधे पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, अब वे ही कानून की नजर से बचते फिर रहे हैं। पशुपालन विभाग में इंदौर के एक व्यवसायी को ठेका दिलाने के नाम पर रुपए ठगने के मामले में आईपीएस अरविंद सेन ने काफी भागदौड़ के बाद सरेंडर कर दिया। वहीं क्रशर कारोबारी की कथित मौत के आरोप में फंसे महोबा के पूर्व एसपी मणिदाल पाटीदार अब भी फरार हैं। मणिदाल पाटीदार पर 50,000 के इनाम के बाद आईपीसी की धारा 174A के तहत एक और मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पाटीदार के खिलाफ कुर्की की भी तैयारी है। विवेचक 82 के बाद 83 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां खंजनी क्षेत्र के एक बीजेपी नेता को सफाई कर्मी को गाली देना बड़ा महंगा पड़ गया। गुस्से से तमतमाए सफाई कर्मी ने बीजेपी नेता के घर के सामने एक ट्रॉली कूड़ा ढेर कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेता और सफाई कर्मी के बीच विवाद बढ़ गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कचरा साफ कराते हुए दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान कर दिया है।